ये है 5 फरवरी का दिन और आज के दिन बाजा आएगा शादी में और मामे आएंगे और सुबह का मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको, कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है पहाड़ियों में, बहुत ही ज़्यादा ठंड हुई है आज। और सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम धूप तो आई है, थोड़ा सा फिर उतना ठंड फील नहीं हो रहा है धूप की वजह से। और आज शादी में अभी थोड़ी देर बाद बाजा आने वाला है और शाम को मामे आएंगे, उससे पहले रिश्तेदारों का स्वागत किया जाएगा। ये सब रस्में होगी जो आगे आपको देखने को मिलेगी इस वीडियो में। और अभी मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ और देखिए बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है और यहाँ पे ये त्रिजल भी अपना जलवा दिखा रहा है। देखिए सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट कर दिया है बच्चे ने, थोड़ा सा बैक हो तो और नीचे गिर सकता है, बट मैं ध्यान रख रही हूँ इसका। और अभी हम घर पे ही हैं, थोड़ी देर में हम भी जाएंगे तैयार होके, क्योंकि जब तक बाजा आता है तब तक हम भी पहुँच ही जाएंगे। अभी हमें थोड़े से काम है घर पे और फिर यहाँ पे बाजा आ चुका है। शादी से रोटी खा के चल पड़े हम घर। ये है गुगलू कंधे पे चढ़ा हुआ, हे बाबा मर जाएंगे चल चल के हम तो। खाना खा के जा रहे हैं, अब तैयार होंगे शाम के लिए, मामे आएंगे। और सबसे बड़ी बात की कम से कम आप आज धूप तो लगी, वरना कल तो इतने हालत ख़राब हुए कि पूछो मत। हाय थैंक गॉड आज मौसम साफ है। यहाँ पे मैं आपको गांव दिखा रही हूँ और शादी वाला घर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये जो पर्दे के कलर है ये कुछ ऐसा है कि ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और ये हमारा गांव। जैसे ही मालों ने नाचना स्टार्ट किया और मुझे जाना पड़ा अपनी छोटी सिस्टर को लेने मंजबन, क्योंकि वो इस वाले रोड में नहीं चला पाते गाड़ी, वो बहुत लेट हो चुके थे इसलिए।
हां जी भाभी भूमि बोला है एनी कुछ कहनी तेरी कहनी दे नहीं ती सही कह उन तीन मां का बेड़ उठ पाए जेन दे दे भी जेन दे दी ये दो जो सामने बैठी हैं ये भतीजियां हैं और इधर इधर दो दीदियां उधर ताई ये इधर को सब भाभियां हैं ये वाली ये मम्मी है ये मेरी मम्मी है ये मेरे पीछे भतीजे की वाइफ है ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये मावड़े दिखा रही हूँ कुछ लोग बाहर चले गए हैं क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने में तो इसके लिए मुझे माफ़ करना ये यहाँ पे कुछ लेने आए हैं ये मेरी दीदी है ये भी लेने आई है इनसे कुछ गिफ्ट गुफ्ट और ये यहाँ पे छोटी वाली सिस्टर अब जाके पहुँचे अब तो मावड़े भी पहुँच चुके थे क्या करे दो दिन लगे इनको आने में क्योंकि मौसम ख़राब था और रास्ते बंद थे और रास्ते में थोड़ा सा भटक गए थे नए रास्ते में इस वजह से इनको आने में काफ़ी दिक्कत भी हुई आखिर ये दो दिन बाद पहुंच ही चुके शादी में मेहंदी में आना था बट बेचारे मावड़ों के बाद पहुंच रहे हैं जब बोला नहीं वैसे आएंगे और यहाँ पे ये मामे पानी लाते हैं दूल्हे को नहलाने के लिए जिससे दूल्हे को नहलाया जाता है और उसके बाद तैयार किया जाता है ये भी एक रस्म है जो हमारे भाई जाती है और मुझे नहीं पता बाहर भी शायद लोग करते हैं ये चीज़ें बट हमारे यहाँ ये रिवाज है और अब अंदर जाके ये मैं यहाँ पे तिलक लगा रही हूँ सब लोगों को और उसके बाद अंदर जाके अब तेल डालेंगे दूल्हे पे और इस तरह से होती है हमारी शादी की रस्में और आप वीडियो एंड तक देखिएगा आपको मज़ा आएगा और यहाँ पे मैं तिलक लगा रही हूँ और यहाँ पे लोगों के पास खुले पैसे नहीं है तो बड़ा ही नोट देना पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ तिलक लगाने के 10, 20, 50 दिए जाते हैं और उन पैसों से हम गाँव में बर्तन वगैरह लाते हैं इकट्ठा करके और जिस वजह से फिर हमें अपने बर्तन ही निकालने पड़ते हैं उसी से ही काम चल पड़ता है और इसका ये भी फ़ायदा है चलो ना भी कोई बात नहीं ठीक है ठीक है ये
अच्छा जी अच्छा एक बात है मैं आपको बोलना चाहता हूं आपने दी जाती है ना सही है ना बात है।